हेलो गाइस, स्वागत है एमएम टेक्निकल चैनल में। तो गाइस, आज हम फिराजर न्यू प्रोडक्ट के साथ जो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस न्यू टॉयस की, ये आया है एक रोबोट जो है कि इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, प्ले करके देखेंगे किस तरीके से ये वर्क करता है, क्या क्या साउंड क्वालिटी आती है और इसके अंदर लाइट हमें कैसी देखने को मिलती है, किस तरीके से ये वर्क करता है। तो पूरा प्रॉपर तरीके से मैं जो है कि आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ, प्ले करके दिखाता हूँ। तो गाइस, अभी तक हम चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही अनबॉक्सिंग से रिलेटेड और भी जो है कि अच्छे अच्छे टॉयसों की वीडियो मैं इस वाले चैनल पे लेके आता रहता हूँ। सो गाइस, अभी करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं प्ले करके। सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरिफ अली, काम देख रहे हैं एमएम टेक्निकल चैनल। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, इस रोबोट का देखने को मिलता है हमें कुछ इस तरीके का बॉक्स, यहाँ पर जो है कि आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलने वाला है। और ये जो है कि अनोखा जो है कि इसके अंदर जो है कि हमें देखने को मिल रही है और न्यू जो है कि प्रोडक्ट आया है, किस तरीके से वर्क करता है, एक न्यू ही जो है कि ये वर्क करने वाला है। यहाँ पर जो है कि कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है हमें, लाइट म्यूजिक और इसके अंदर सेल भी डालने पड़ेंगे। दूसरी साइड से देख लेते हैं, यहाँ पर एडी जो भी प्राइस है वो है 25.50 फिल सिद्रम। यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पर जो है कि कुछ हमें देखने को मिलता है ऐसे ही सेम, और ये भाई कुछ किस तरीके से जो है कि ये वर्क करने वाला है वो हम देखने वाले हैं। यहाँ से सेम है, तो अभी जो है कि फाइनली हम जो है कि इसको कर लेते हैं अनबॉक्स और इसके अंदर जो है कि हमें क्या क्या देखने को मिलता है वो निकाल लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का ही एक रोबोट आता है और कुछ भी नहीं आता है इसके बॉक्स में। ये जो है कि सेम जैसे कि हमने इमेज में देखा था, सेम उस तरीके का ही ये निकला है। यहाँ पर देख सकते हो एक लाइट मिलने वाली है और ये चारों साइड में इस तरीके से घूमने वाली है। यहाँ पर जो लाइट है एलईडी जो है कि बहुत ही मस्त जो है कि हमें देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर कुछ इसकी आंखें वगैरह भी जलेंगी जैसे कि हम इसको प्ले करेंगे। तो यहाँ पर जो कि हाथ देख सकते हो, यहाँ पर भी लाइट मिलती है, इधर भी लाइट मिलती है। और इसके जो पैर हैं नीचे, यहाँ पर जो है कि हमें छोटे छोटे यहाँ पर टायर वगैरह दिए गए हैं इसको चलाने के लिए, और एक यहाँ पर जो है कि मिलता है इसको राउंड में घुमाने के लिए। और पीछे देख लेते हैं, यहाँ पर जो है कि सेल डालने का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे जो है कि प्ले करने का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर साउंड क्वालिटी के लिए एक स्पीकर का भी ऑप्शन मिलता है। तो अभी जो है कि इसके अंदर मैं सेल फिल कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ प्ले करके। अभी जो है कि सेल फिल कर लिए हैं और यहाँ पर जो है कि हम इसको जो है कि प्ले करेंगे। यहाँ से यहाँ पर दिया गया, तो देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से बर्क करने लगा भाई। यहाँ पर जो ऊपर वाला देख सकते हो, यहाँ पर जो पंखड़ी है कुछ इस तरीके से चल रही है और यहाँ पर लाइट भी आ रही है इसकी। मैं अभी नीचे करके दिखाता हूँ आपको। और इसके हाथ वाली देख सकते हो, यहाँ पर जो लाइट है वो किस तरीके से जो है कि हमें देखने को मिल रही है। और ये अभी देखते हैं इसको प्ले करके नीचे ये किस तरीके से वर्क करता है। तो फ्रेंड, अभी जो है कि हम ले आए हैं इसको नीचे, यहाँ पर जो कि हम प्ले करेंगे। यहाँ से इसको प्ले करने के बाद में इसको देखेंगे हम किस तरीके से वर्क करता है। तो ये भाई कुछ इस तरीके से वर्क करता है, यहाँ पर ऑटोमेटिक ही चलता रहता है ये। ऊपर से कुछ इसकी लाइट जो है कुछ हमें इस तरीके से देखती है। और ये कंटिन्यू कुछ इस तरीके से ही चलता रहता है, मतलब कि ये बंद नहीं होता है, नहीं तो रुकता है, और ये कुछ इस तरीके से ही चलता है बस। और इसके हाथों की जो लाइट है वो भी चेंज हो रही है। और ये कंटिन्यू ऐसे ही वर्क करता रहता है। सो फ्रेंड, ये जो टॉयस है कैसी लगी इसकी वीडियो आपको? ये जो रोबोट है ये कुछ इस तरीके से ही चलता है, इसकी जो साउंड क्वालिटी है और जो लाइट है वो ऑटोमेटिक ही चलती रहती हैं। और यहाँ पर देख सकते हो ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता है, ये कम स्पेस में ही जो है कि ये चलता रहता है।
और इसकी जो लाइट है वो काफ़ी जो है कि अच्छी देखने को मिलती है, और ये ज़्यादा जो है कि स्पेस भी नहीं लेता है। अगर आप कहीं पर भी रख दोगे तो वहीं पर ही जो है कि चलता रहेगा, और आपको जो है कि यहाँ पर राउंड में भी घूमता रहता है, मतलब कि काफ़ी जो है कि अच्छा है ये वाला रोबोट। तो कैसी लगी इसकी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक से एक टॉयज़ की वीडियो इस वाले चैनल पर आती रहती हैं, डेली डेली नए नए प्रोजेक्ट की वीडियो आती रहती हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो गाइस फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए इजाजत, गुड बाय।